एक टाइम था जब टाटा की कार्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता था और ना ही इन्हें कोई खरीदना चाहता था। बट जैसे कि बड़े से आने बोलकर गए हैं ना कि सबका टाइम आएगा, वो टाटा कभी आ गया। जहां पहले कभी टाटा की कार्स को कोई खरीदना नहीं चाहता था, वहीं अब टाटा देश की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी बन गई है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज के समय में टाटा की कार लगभग हर सेगमेंट में इजीली अवेलेबल है और इनकी सेल्स भी अच्छी खासी हो रही है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाटा की उन कार्स के बारे में जो जल्द ही इंडियन कार मार्केट में लॉन्च होंगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप इनमें से कौन सी कार का ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो, ताकि आप गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट अपडेट मिस आउट ना कर पाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोस्ट अवेटेड टाटा HBX के बारे में। दोस्तों, टाटा HBX को कॉन्सेप्ट के तौर पर 2020 ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था। उसके प्रोडक्शन रेडी मॉडल को कई बार टेस्टिंग के दौरान भी देखा जा चुका है। इस कार में आपको कई शानदार फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और लुक्स के मामले में भी ये कार एक्सीलेंट होने वाली है। वैसे तो होगी एक माइक्रो SUV जो कि मारुति एस्प्रेसो से कम्पीट करेगी, बट डिजाइन और सेफ्टी और फीचर के मामले में ये एक सेगमेंट अबव ही रहने वाली है। ये टाटा के इम्पैक्ट 2.0 डिजाइन फिलोसफी पर बेस्ड होगी और इसमें आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाएगा, जो कि 83 bhp की पावर और 114 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करेगा। अब अगर बात करें इसकी लॉन्च डेट और प्राइस की, तो वैसे तो इस कार का लॉन्च इस साल मई या फिर जून में होना था, बट अब इसे और भी ज्यादा डिले कर दिया गया है और अब ये कार अक्टूबर के आसपास लॉन्च होगी। और जहां तक बात है इसके एक्सपेक्टेड प्राइस की, तो ज्यादा से ज्यादा इसके टॉप मॉडल का एक्सपेक्टेड प्राइस 8 लाख रुपए रहने वाला है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जो भी लोग इस कार का इंतजार कर रहे हैं उन्हें थोड़ा और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, बट मेरी मानो तो ये कार आपके लिए वर्थ फॉर वेटिंग होगी। नाउ द सेकंड टाटा अपकमिंग कार इज टाटा हेक्सा। ये एक 7-सीटर SUV कार है जिसे टाटा ने 2017 में इंडिया में लॉन्च किया था। देखा जाए तो ओवरऑल ये एक शानदार और एक दमदार प्रोडक्ट है, बट आज तक भी इसे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना कि इसे इंडियन मार्केट में मिलना चाहिए था। बट अब टाटा बहुत ही जल्दी इसका अपडेटेड मॉडल लॉन्च करने वाला है। इसके एक्सटीरियर के साथ साथ इसके इंटीरियर में भी काफी चेंजेस किए जाएंगे जो इसे पहले से और ज्यादा बेहतर बना देंगे। इसके अपडेटेड मॉडल की लॉन्चिंग की बात करें तो इसे जुलाई या फिर अगस्त तक इस साल लॉन्च कर दिया जाएगा और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस 14 लाख रुपए के आसपास रहने वाला है। तीसरी कार जो कोई टाटा कंपनी इंडिया में लॉन्च करेगी वो होने वाली है टाटा सियारा। ये कार कंपनी की एक लेजेंडरी कार थी जिसे पहली बार 1991 में इंडिया में लॉन्च किया गया था और ये वो पहली ऑफरोड SUV भी थी जिसे किसी इंडियन कार मैन्युफैक्चरर कंपनी ने बनाया था। बट अब टाटा इसकी एक न्यू जनरेशन को इंडिया में लॉन्च करने की तैयारी में है। बता दें कि इसे एक कॉन्सेप्ट के तौर पर पहली बार टाटा ने 2020 में शोकेस किया था। हालांकि ये गाड़ी पहले सिर्फ डीजल इंजन के साथ आया करती थी, बट अब टाटा इसके ऑल न्यू इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च करेगी। इस गाड़ी में आपको बहुत से फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और जो इस गाड़ी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था उस समय, यानी कि इसका रियर ग्लास एरिया, उसे आने वाले न्यू जनरेशन में भी कंटिन्यू किया जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें किया कार्निवल की तरह ही इलेक्ट्रिकली फंक्शनल स्लाइडिंग डोर भी दिए जाएंगे, जो कि काफी सही चीज है। लॉन्च की बात करें तो इसे 2022 के मिड तक इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। अब बात करें टाटा की नेक्स्ट अपकमिंग कार की, तो वो होगी टाटा एल्ट्रोज का इलेक्ट्रिक वर्जन। टाटा एल्ट्रोज भी एक काफी अच्छा प्रोडक्ट रहा है और बहुत ही शार्प और अट्रैक्टिव लुक्स के साथ ये कार आती है। टाटा ने इसके इलेक्ट्रिक वर्जन के कॉन्सेप्ट को 2020 में ऑटो एक्सपो में शोकेस किया था और इसे इंडिया में कई बार टेस्टिंग के दौरान भी देखा जा चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो ये न्यू कार में आपको 1 IP67 डस्ट प्रूफ बैटरी का यूज किया जाएगा, जो कि इसे 300 प्लस किलोमीटर की रेंज आसानी से प्रोवाइड कर देगी। फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको सभी सेम फीचर्स मिलेंगे जो कि आपको टाटा एल्ट्रोज में देखने को मिलते हैं। लुक्स के मामले में भी इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, बट क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक कार होने वाली है तो इसमें EV की बैजिंग के साथ नेक्सोन की तरह ही ब्लू एलिमेंट्स इसमें जगह जगह पर देखने को मिल जाएंगे। जहां तक बात है इसके लॉन्चिंग की, तो इसे जुलाई तक इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। तो बस दोस्तों, ये थी वो टाटा की कुछ अपकमिंग कार्स जो कि इंडियन कार मार्केट में जल्दी लॉन्च होने वाली है। कैसी लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आप कौन सी कार का ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो इसी के साथ टाटा बाय बाय, शब खैर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेटेस्ट कार अपडेट के साथ।